हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई दीक्षा पर। जैसा कि आज SBI PO मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैं उसका शिफ्ट ख़त्म होने के बाद आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ कि उसमें क्या क्या पूछा गया था, जिससे कि ये हेल्पफुल होगा आपको जो कल क्लर्क देने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कैसे GA के क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, और कितने गुड अटैम्प्ट SBI PO में रहे, उस हिसाब से आप क्लर्क का माइंडसेट अपना बना सकते हैं कल के लिए। चलिए तो देखते हैं। देखिए, शिफ्ट वन का एग्ज़ाम हो चुका है और शिफ्ट वन का लेबल काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न वगैरह दिया है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन काफ़ी सारे दिए थे। देन इंग्लिश में फिलर्स भी आए थे, बट नए टाइप के फिलर्स आए हैं। और इसके बाद आपकी रीजनिंग भी काफ़ी टफ आई है, रीजनिंग का लेबल लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ है। चलिए देखते हैं, सेक्शन वाइज देख लेते हैं। देखिए, रीजनिंग में क्या आया था, डीएस के 3-4 क्वेश्चन अब आप ही लोगों ने बताए जितने भी आए हों। फिर इनपुट आउटपुट भी था, इनपुट आउटपुट नया पैटर्न पे था। ओके, लॉजिकल रीजनिंग था, 10 से 12 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के थे, लेकिन लेबल मॉडरेट था। देन कोडिंग डिकोडिंग था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। और सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें क्या था, नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया गया था, सिर्फ सरकमफेरेंस वैल्यू दी गई थी और सारे फेसिंग सेंटर बैठे थे। देन पजल था, पजल में क्या 8 क्वेश्चन, मतलब 2 पजल टाइप में, और इसमें आपको ये रहा पजल का जो क्वेश्चन था। देन डायरेक्शन साइंस था। देन मैट्रिक्स इस बार थोड़ा सा अलग आया था, न्यू टाइप का था, एरे था और डायमेंशन गिवन था। तो ये तो रहा रीजनिंग का सेक्शन। अब जरा और देखते हैं जनरल अवेयरनेस। देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम करंट बैंकिंग अफेयर, ज़्यादातर करंट बैंकिंग अफेयर्स थे, वो जो स्कीम वगैरह या फुल फॉर्म पूछा वो सब, और कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के थे। देन 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक GK के भी थे, और जो करंट के क्वेश्चन थे वो मई टू जुलाई थे। क्वांट्स देख लेते हैं। क्वांट्स में देखिए, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 DI आए थे, मतलब 20 क्वेश्चन आए थे, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं 5 DI आए थे। तो अब मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं दिया है, आप ही लोगों ने रिव्यू दिया है। तो इसमें अगर 5 आए थे, तो उन्होंने बताया कि टेबुलर था, मिसिंग DI था, बार ग्राफ, कैलकुलेट था टाइम इन वर्क पे, कैलकुलेट था वेन डायग्राम पे, और एक बार ग्राफ था डेटा रिलेटेड टू कॉल रिसीव्ड एंड रिसॉल्व वाज परसेंटेज। तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट टेबल का था। उसके अलावा क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी को कुछ लोग बोल रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, श्योर नहीं है कितने आए थे। फिर DS के 5 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि DI के 20 आए थे, वो ये बोल रहे हैं 5 वर्ड प्रॉब्लम थी, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 5 पूरे DI थे। अगर वर्ड प्रॉब्लम भी थी तो वो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा ये कैलकुलेट वगैरह में, क्योंकि कैलकुलेट भी एक टाइप से आपका कुछ लोग समझने में दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश का लेबल डिफिकल्ट था। देखिए, RC से 14 क्वेश्चन, ट्रिपल फिलर्स आए थे, डबल नहीं ट्रिपल फिलर्स आए थे। देन क्लोज टेस्ट आया था न्यू पैटर्न का, एंटोनिम सिनोनिम आया था, सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये सारा था। अब जरा देख लेते हैं गुड अटैम्प्ट कितने हैं इनके। तो देखिए, ये DA और DI वाले में तो 15-20, रीजनिंग वाले में 14-19, इंग्लिश लैंग्वेज 18-22, और GA और बैंकिंग वाले में 24-20। ओवरऑल कितना अटैम्प्ट, 72-82, ये आपका गुड अटैम्प्ट होगा। अगर आप इतना करके आए हैं तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, आपका आगे अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए आप सेकंड शिफ्ट के साथ मिलते हैं। जब सेकंड शिफ्ट का रिव्यू आएगा तो मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।